कुक विद पारुल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट रेसिपी की वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पारुल। कुक विद पारुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी और झटपट 5 मिनट में बनने वाली रेसिपी। उसका नाम है चॉकलेट सिरप, आप उसे चॉकलेट सॉस भी बोलते हैं। ये बिल्कुल वही है जो आप मार्केट से हर्शीज का चॉकलेट सिरप खरीदते हैं। अब आपको खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, 5 मिनट में फ्रेश चॉकलेट सिरप बिल्कुल प्रिजर्वेटिव फ्री आप घर में बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चॉकलेट सिरप बनाने के लिए यानी सॉस बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ली है 5 टेबल स्पून शुगर चीनी। स्पून मैंने इस मेजरमेंट से ली है, इस स्पून से मैंने सारा मेजर किया है। आप भी एक स्पून फिक्स कर लें और उसी से सभी चीजों को मेजर करके ले सकते हैं। ये मैंने लिया है 3 टेबल स्पून कोको पाउडर। कोको पाउडर मार्केट में बहुत ही इजीली अब मिल जाता है, आप किसी भी ग्रोसरी स्टोर से कोको पाउडर करके मिलता है खरीद सकते हैं। ये मैं आपको दिखा देती हूँ, इस टाइप से आता है मार्केट में और किसी भी अच्छी शॉप पर ग्रोसरी स्टोर पर आपको कोको पाउडर मिल जाएगा। ये मैंने लिया है 1/2 टी स्पून वनीला एक्सट्रैक्ट, वनीला एसेंस, ये भी मार्केट में आपको इजीली मिल जाएगा। ये मैंने लिया है 1 टेबल स्पून बटर। ये मैंने लिया है 150 ml मिल्क यानी दूध, बिल्कुल नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर है। 1 चम्मच यानी 1 टेबल स्पून मैंने ली है मैदा। सबसे पहले हम एक बोल लेंगे जो हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं, शुगर डालेंगे, मैदा डालेंगे, कोको पाउडर डालेंगे और सभी चीजों को एक विस्कर की मदद से हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल इसमें गुठली नहीं रहनी चाहिए, अच्छी तरीके से हम मिलाएंगे। ये देखिए, ये मैंने सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लिया है। अब हम गैस पर एक पैन रखेंगे और हीट को मीडियम फ्लेम पर कर देंगे। अब इसमें हम डालेंगे मिल्क, बटर। अगर आप बटर नहीं यूज करना चाहते तो ये सिरप आप बगैर बटर के भी बना सकते हैं। आप फुल क्रीम मिल्क ले लीजिए और बटर की फिर आपको जरूरत नहीं होगी। आप उसमें बाद में एक पिंच नमक आप ऐड कर सकते हैं, जब सॉस बन जाती है तो एक पिंच आप नमक डाल दें। क्योंकि अमूल बटर मैंने लिया है, ये सॉल्टेड है तो इसमें ऑलरेडी नमक है। अब हम बटर को अच्छी तरीके से मेल्ट होने देंगे। डालेंगे अब इसमें वनीला एक्सट्रैक्ट, बटर हम डालते हैं अच्छा क्रीमी टेक्सचर आने के लिए और फ्लेवर आने के लिए। तो अब देखिए बिल्कुल अच्छी तरीके से बटर मेल्ट हो गया है। फ्लेम को मैंने मीडियम किया हुआ है, मीडियम टू लो के बीच में। अब इसमें हम डालेंगे अपने सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। जब मिल्क अच्छी तरीके से बिल्कुल बॉयल होने के स्टेज पर आ जाए और पूरा बटर अच्छे से मेल्ट हो जाए, तब थोड़ा थोड़ा करके हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स करेंगे। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे इसमें, जिससे कि लम्स ना बने। फ्लेम को मैंने लो रखा हुआ है अभी यहाँ पर। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करते जाइए। एक साथ डालेंगे तो लम्स बन जाएंगे। लगातार चलाएंगे, सिर्फ 5 मिनट लगेगा अब इसको बनने में। इस तरीके से और लगातार इस तरीके से मिक्स करेंगे। फ्लेम को अब हम लो टू मीडियम के बीच में कर देंगे। अब फ्लेम को हमने लो टू मीडियम के बीच में किया हुआ है और अब इसमें एक उबाल आने देंगे। सॉस धीरे धीरे अपने आप गाढ़ी होने लगेगी और इस सॉस को बहुत ज्यादा गाढ़ा नहीं करना है, क्योंकि ठंडी होने पर ये अपने आप और भी गाढ़ी हो जाती है। तो बस एक प्रॉपर कंसिस्टेंसी के बाद हम इसको बंद कर देंगे और आप देख सकते हैं कि उबाल आना शुरू हो गया है। तो अब हम गैस को कर देंगे ऑफ और आप देख सकते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी भी गाढ़ी होने लगी है।
थोड़ी ही देर में ये और भी ज्यादा गाढ़ी हो जाएगी। इस तरीके से थोड़ा सा और चलाएंगे और गैस को ऑफ कर देंगे। और ये देखिए कि कितनी बढ़िया सॉस तैयार हुई है। अब इसको हम होने देंगे बिल्कुल ठंडा। ये देखिए जैसे जैसे ये ठंडी होती जाएगी ये गाढ़ी होती जाएगी। सबसे अच्छी बात इस सॉस की ये है, चाहे तो आप इसको गरम जो हॉट चॉकलेट आइसक्रीम्स मिलती हैं तो आइसक्रीम के ऊपर हॉट डालिए, या फिर आपको ठंडी चाहिए और कोई मिल्कशेक बनाना है या कॉफ़ी तैयार करनी है या बच्चों के लिए किसी पैनकेक पर लगाना है या किसी केक के ऊपर डालना है, किसी भी चीज़ में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जहाँ भी आप चॉकलेट सिरप का यूज़ करते थे उन सभी जगहों पर आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और आपने देखा कि कितनी इजीली और कम पैसों में ही घर में ये तैयार हो जाती है। आप इसको लगभग 2 से 3 वीक के लिए एक एयर टाइट कंटेनर में जब ये ठंडी हो जाए रख दीजिए, फिर इसके अंदर आराम से ये 2-3 वीक्स चल जाती है। सबसे अच्छी बात इसकी ये है क्योंकि ये फ्रेश बनी हुई है, इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, आपकी होममेड एकदम फ्रेश फ्रेश खुशबू वाली सॉस तैयार हो गई, और वो भी इतनी आसानी से। अब जब भी बच्चे जिद करें आप उनके लिए इजी उनकी मनपसंद सॉस बनाइए और किसी भी चीज के साथ उसको सर्व कर सकते हैं। चॉकलेट सैंडविचेस भी बनाए जा सकते हैं। बस इसको हम थोड़ी देर ठंडा होने देंगे और ठंडे हो जाने के बाद इसको एक बॉटल में एक एयर टाइट कंटेनर में फिल करके फ्रिज में रख देंगे। चॉकलेट सॉस बिल्कुल तैयार है और ये बहुत ही बढ़िया गाढ़ी भी हो चुकी है। ये देखिए बिल्कुल इसकी कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है। थोड़ा और ठंडा होगी और भी थोड़ी थिक हो जाएगी, तो उसी हिसाब से आप इसकी कंसिस्टेंसी रखें, उतना ही इसको बॉईल करें। तो बहुत ही बढ़िया चॉकलेट सॉस तैयार हुई है। तो ये देखिए बिल्कुल हर्षिज सिरप जैसी चॉकलेट सॉस घर में ही हमने बना ली, और कितनी आसानी से मार्केट स्टाइल, बिल्कुल प्रिजर्वेटिव नहीं और एकदम फ्रेश बनी हुई, सिर्फ 5 मिनट के अंदर ये तैयार हो गई। अब आप अपने बच्चों को भी कीजिए खुश, घर में बनाइए एनी टाइम जब भी आपको यूज करनी है अपनी क्वांटिटी के हिसाब से, और इंजॉय कीजिए अपनी आइसक्रीम, मिल्क शेक, कोई भी केक, पुडिंग, किसी भी चीज को आप इसके साथ यूज कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात, बच्चों की बर्थडे में मार्केट से ले लीजिए वेफर्स और वेफर्स को कीजिए चॉकलेट सॉस में रैप और बच्चों को दीजिए एज अ डेजर्ट। बहुत लाइक करते हैं बच्चे। मुझे उम्मीद है आपको आज की ये चॉकलेट सिरप रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुक विद पारुल।